करण सिंह ग्रोवर ने पहली बार अपने दो बार हुए तलाक के बारे में बोला है। वैसे तो बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर अपनी लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को खबरों में बने रहते हैं। करण ने अपनी लाइफ में 3 बार शादी कर चुके हैं। बिपाशा उनकी तीसरी पत्नी है। करण की पहली शादी श्रद्धा निगम से और दूसरी जेनिफर विंगेट के साथ हुई थी। हालांकि उनकी ये दोनों ही शादियां बेहद खराब हालत में टूटी थी। अब बिपाशा के शादी के 8 साल बाद करण सिंह ग्रोवर ने अपनी दोनों टूटी शादियों और तलाक पर बात की। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रेकअप या तलाक के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, बाद में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह अच्छे के लिए हुआ। यह तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे कभी भी अपने जीवन में होने वाली फालतू बातों के बारे में किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं यह उम्मीद नहीं करता कि लोग आएंगे और मुझसे उनके जीवन में हो रही बेकार की बातों के बारे में बात करेंगे। यह मेरा मेन मोटिव नहीं है। मैं कुछ प्यार और खुशी देना चाहूँगा। हर किसी को अपनी खुद की बेकार चीजों से निपटना होता है और मुझे लगता है कि हर कोई अपनी गंदगी को संभालने के लिए उस तरह की प्राइवेसी का हकदार है। बता दें कि करण सिंह ग्रोवर की पहली वाइफ एक्ट्रेस श्रद्धा निगम थी। उनकी शादी साल 2008 में हुई थी, लेकिन उनकी ये शादी 10 महीने बाद ही टूट गई। इसके बाद करण ने जेनिफर विंगेट से साल 2012 में शादी रचाई, लेकिन ये रिश्ता भी उनका ज्यादा समय तक नहीं चला और दोनों 2014 में अलग हो गए थे। इसके बाद करण सिंह ग्रोवर ने एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ 2016 में शादी की और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। कपल की बेटी भी है, जिसका नाम देवी है। करण आखिरी बार फिल्म फाइटर मूवी में नजर आए थे।